दोस्तों आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफी लोगों को ये समझ में नहीं है, उन्हें गाना तो पूरा पता होता है लेकिन तर्ज नहीं जानते हैं। तर्ज जानने में उन्हें काफी दिक्कत होती है कि मान लीजिए उनको गाना वो आता है बजाना लेकिन ये नहीं जान पाते कि ये उस तरीके से ही बजेगा। ये कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा लोगों को हारमोनियम के प्रति, संगीत जो नए सीखने वाले होते हैं उनको रहता है। आज इस वीडियो में हम आपको यही समझाने के लिए जा रहे हैं कि आप जैसे कोई सी तर्ज हो, उस तर्ज पर बहुत सारे गीत होते हैं लेकिन आपको बजाना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आप उस गीत को तो, उस तर्ज को तो हारमोनियम पर प्ले कर लेते हैं लेकिन ओरिजिनल गाने को आप उसकी तर्ज को नहीं पहचान पाते हैं कि उसकी तर्ज क्या है। तो आज इस वीडियो में हम एक तर्ज आपको ऐसी बताएंगे जिस पर आप बहुत सारे गीत बजा सकते हैं, और एक तरीका और ये भी बताएंगे कि आप कोई सा गाना है, आपने अगर उस गीत को प्ले कर रखा है पहले से ही तो उसे जो है उसकी तर्ज को हम कैसे पहचाने कि ये जो है ये हमारा उसी तर्ज में चलेगा। ठीक है ना? तो ये सब कुछ जो है आज जानने के लिए जो है वीडियो के साथ पूरा बना रहिएगा। आपको हम बहुत बारीकी तरीके से ये सब कुछ सिखाने वाले हैं, तो बस देखिएगा किस तरीके से। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे, भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आज बहुत सिंपल तरीके से एक हम आपको गीत, हमारे एक दादा हैं हमारे हमीरपुर से, वो उनकी जो है फरमाइश से गुरुजी ये गीत हमको सिखाइएगा किस तरीके से हारमोनियम पर प्ले होगा। और एक चीज और आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारी आवाज आप लोगों के पास कैसी आ रही है, पहले से बेहतर है कि नहीं है। हमने अपना देसी सिस्टम बनाया हुआ है, इतना तो पैसा है नहीं कि हम स्टूडियो बना सकें, लेकिन हाँ बहुत अच्छा सा हमने जो है अभी आपको इसमें स्क्रीनशॉट में दिखा देंगे कि जो सिस्टम से आपके पास आवाज बेहतरीन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, बिल्कुल करेक्ट कड़ाके की आवाज। तो सी शार्क से गाना चल रहा है, ठीक है हमारा। जैसे गाना चला, भजन चला मान लीजिए कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो ये चीज चली, ठीक है। आपको तो आपको इसकी गाना ओरिजिनल गीत पता है, ठीक है। ओरिजिनल गाना जो है कि दिल लूटने वाले चलो बलिया तेरी बीन बजे मेरी पायलिया। पहले हम इस गीत को आपको सिखा देते हैं, ठीक है। इस गीत को आप सीख लें, इसमें बहुत सारे गीत हैं हमारे, ठीक है। गाना चला, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा तू सोवती है ना, वही चल रहा है गीत हमारा। ओरिजिनल कौन सा है उसी पे ये सब कुछ चल रहा है। सामने वाला व्यक्ति गा रहा है, आप हारमोनियम पर बैठे बजा रहे हैं लेकिन आप उस चीज को बजा नहीं पा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी उसी तर्ज पर चलेगी, ठीक है। फटाफट हम थोड़ी देर आपको जो है थोड़ा सा आपका समय लेना चाहेंगे, तो समय इतना लेना चाहेंगे इस गीत की हम पहले आपको सिखा दें, ठीक है। फिर हम आपको और गीत बजाकर उसका पूरा पूरा तरीका समझाएंगे कि कैसे हम समझें कि किस तरीके से है इस, ये जो हमारा चल रहा है ये हमारा वही गाना है या नहीं है। तो बस वीडियो के साथ पूरा बना रहिएगा और देखिए किस तरीके से। अब ठीक, पहले फटाफट इसे सीख लेते हैं उनके लिए जो वो सीखना चाहते हैं, दादा हमारे, उनके लिए और आप लोगों को सबके लिए। इस पर बहुत सारे गीत हैं, आप गा सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और सबसे अच्छी बात है कि राधेश्याम तर्ज भी गा सकते हैं। जैसे एग्जांपल फोर, हे जनक कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। जनक कहो क्या कारण है यह भारी भीड़ बाढ़ क्यों है। यह अभी सूर सा ऐसा था भी रो में छेड़ छाड़ क्यों है। राधे से हम तर्ज भी गा सकते हैं, ठीक है। जैसे मोह आस लगी मोहन तेरी ये सूरत मधुर दिखा जाना। है ना? तो एक ही वही वही एक चीज है,
दिल लूट, वही तर्ज है, उसी पर इतने सारे गीत चल रहे हैं और बहुत सारे आपके पास भी दिल लूटने वाले जादूगर ये इस तर्ज पर बहुत सारे होंगे, है ना, होंगे जरूरी होंगे। तो बस इस गीत को भी हम फटाफट सीख लेते हैं, फिर हम आपको और एग्जाम्पल फोर के लिए आपको और बताते हैं। तो देखिएगा इसे कि दिल लूटने वाले सानी सारे रे रे, दिल लूटने वाले। पहला पैटर्न हमारा क्या चला, दिल लूटने वाले, ठीक है। एक यहां से उठा हमारा सानी सारे गारे सा, दिल लूटने वाले। छलो, अब ये छलो, छलो बलिया तेरी बीन बजे मेरी पायलिया, पूरा देख लीजिए ध्यान से। दिल लूटने बाले, अब फिर छल बलिया, छलो बलिया सारे मागा, छलो बलिया तेरी गारे सा तेरी, छलो बलिया तेरी, अब बीन बजे मेरी पायलिया, तेरी बीन बजे मेरी पायलिया सारे गारे सानी धानी रे सा। ठीक, क्लियर हो गया ना। दिल लूटने वाले छलो बलिया तेरी बीनु बजे मेरी पायलिया। म्यूजिक देख लीजिए इसका, पाधा सा 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 पाधा रे 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 सारी गारी गारी सा, पाधा सा 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 पाधा रे 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 सारी गारी गारी सा। एक दो तीन, एक दो तीन, फिर चार पांच छह सात आठ, ठीक है। नोटेशन ये म्यूजिक है, म्यूजिक आपको जब देना पड़ेगा जब आप इतना बजा लेंगे। दिल लूटने वाले छलो बलिया तेरी बीनु बजे मेरी पायलिया, तब म्यूजिक आपको, तब म्यूजिक देना है। अब इसकी उठान जो है वो भी देख लीजिए। दिल लूटने वाले छलो बलिया, दिल लूटने वाले छलो बलिया, पामा गामा धा पा 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 पा, दिल लूटने वाले छलो बलिया। ये पहला पैटर्न है स्थाई का। स्थाई और उठान एक ही तरीके से आपकी चलेगी, ठीक है। स्थाई और उठान जो है वो एक ही सेम पैटर्न से चलेगी। दिल लूटने वाले छलो बलिया तेरी बीनु बजे मेरी पायलिया। अब देख लीजिए, पा मा धा, सॉरी पा मा गा मा धा पा पा पा, पा धा पा मा गा रे सा, तेरी बीनु बजे मेरी पायलिया। यहाँ पर थोड़ा हमें माँ पर रुकना है, ठीक है। तेरी बीनु बजे मेरी पायलिया, दिल लूटने बा, फिर हमारा वही चालू हो जाएगा। अब बात हमने जो मेन पॉइंट बताया था वो देखिए। देखिए कोई गाना उसे आकार में आप सीखिए, उसको जब भी सामने वाला कोई गा रहा है तो उसे मन में गुनगुनाइए अपने, और हारमोनियम पर हाथ डालिए, एकदम से दिमाग इस चीज का दौड़ाइए कि इन्होंने किस तरह, मतलब धुन किस, हमने ये धुन कभी सुनी जरूर है, और धुन को पकड़ कर गीत को, जैसे हमने गाया कि पंख जो होते मैं उड़ जाती नंदू बाबा के द्वार, ओमड़ी ओमड़ी मेरो जिया रह जावे बहे दूध की धार। अब ये उन्होंने जब गाया है तो तुमको, जो सामने वाला व्यक्ति गा रहा है तो तुमको करना क्या है, उसको आलाप, उसको आकार में ला 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 ला
अलाप में उस चीज को करिएगा, ठीक है? अलाप में करेंगे तो हारमोनियम पर अपने आप आपका गाना वो आपको याद हो जाएगा कि हाँ इस चीज पर चल रहा है। धुन कोई सी भी निकालिएगा, उसे याद रखिएगा, उसे माइंडली में सेट रखिएगा। अगर दूसरे का गीत बजाना है तो, अपना भी बजाना है तो भी ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को लगा होगा, और हमें जरूर बताइए आवाज कैसी हमारे आपके पास जो है हमारी इस माइक से आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।